नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुनीत कुमार और आप देख रहे हैं कंप्यूटर गुरुजी चैनल। तो दोस्तों, जैसे कि हम आपको बता रहे थे बेसिक कंप्यूटर के फंडामेंटल्स के बारे में, तो उसी सीरीज़ में आज हम आपको जो है एक ब्रॉडली कंप्यूटर के बारे में समझाएंगे। हम आपको दिखाएंगे कि ब्लॉकली जो है कंप्यूटर क्या होता है, व्हाट इज़ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ द कंप्यूटर। अगर हम ब्लॉक वाइज उसको डिवाइड करें कंप्यूटर को, तो वो क्या होता है, कैसे फंक्शन करता है और हर ब्लॉक का क्या क्या फंक्शन होता है। तो आज के वीडियो में हम इजी हिंदी लैंग्वेज में समझेंगे कि कंप्यूटर्स जो है क्या होता है। तो चलिए बढ़ते हैं आज के वीडियो की तरफ। फ्रेंड, अगर हम कंप्यूटर की ब्लॉक डायग्राम की बात करें, तो हमारे पास जैसे कि आप देख पा रहे हैं ब्लॉक डायग्राम ऑफ स्टैंडर्ड डेस्कटॉप कंप्यूटर। तो हम डेस्कटॉप कंप्यूटर के बारे में अभी बात कर रहे हैं, तो ये एक डेस्कटॉप कंप्यूटर का स्टैंडर्ड ब्लॉक डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें तो ये ब्लॉक डायग्राम जो है तीन पार्ट में डिवाइड है। सबसे पहले इसमें इनपुट डिवाइसेस का ब्लॉक है, उसके बाद इसके अंदर एक सीपीयू का ब्लॉक है, और उसके बाद एक आउटपुट डिवाइस का ब्लॉक है। इनपुट डिवाइसेस का ब्लॉक वो ब्लॉक होता है जिसमें इनपुट डिवाइसेस जो है कनेक्ट होती हैं। फॉर एग्जांपल आपका कीबोर्ड हो गया, माउस हो गया, वो यहाँ पे कनेक्ट होती हैं इस ब्लॉक में। नेक्स्ट ब्लॉक आता है जो कि सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सीपीयू जो है उसके आगे जो है सब ब्लॉक्स होते हैं, जैसे ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट का ब्लॉक होता है, एक कंट्रोल यूनिट का ब्लॉक होता है, उसके बाद मेन मेमोरी यूनिट का ब्लॉक होता है, और थर्ड ब्लॉक होता है आउटपुट डिवाइसेस। आउटपुट डिवाइसेस में आपका जो है डिस्प्ले होता है, जिसको हम वीडियो बोलते हैं, विजुअल डिस्प्ले यूनिट्स, या उसके अलावा प्रिंटर्स होते हैं, स्कैनर्स होते हैं एट्सेट्रा, ये जो है आउटपुट डिवाइसेस लगी होती हैं। तो अभी इस ब्लॉक डायग्राम को हम ब्रीफली समझेंगे, तो चलिए आगे अभी एक एक ब्लॉक को हम जो है बिल्कुल ब्रीफ में समझते हैं कि ये है क्या। सबसे पहले मैं अभी आपको बता देता हूँ कि फंक्शन ऑफ सीपीयू, जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, जो बीच में ब्लॉक था सीपीयू का, उसके क्या फंक्शन होते हैं। तो दोस्तों, हम सबसे पहले अभी यही समझेंगे कि सीपीयू क्या है और इसका क्या क्या फंक्शंस होते हैं। तो सीपीयू क्या करता है कि इट परफॉर्म द अर्थमेटिक कैलकुलेशंस। लाइक कौन सी अर्थमेटिकल कैलकुलेशंस होती हैं, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एट्सेट्रा। सीपीयू है ये अर्थमेटिक कैलकुलेशंस करता है। अर्थमेटिक कैलकुलेशंस में आता है जैसे हम जमा करते हैं, या जिसको सब्सट्रैक्शन बोलते हैं, या हम उसको गुना करते हैं, मल्टीप्लिकेशन करते हैं, या उसको भाग करते हैं, दैट इज डिवीजन करते हैं। ये सारे काम जो है एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन जो है, ये कौन कहाँ पे होते हैं, ये पूरे काम हो रहे हैं सीपीयू के अंदर। दूसरा, सीपीयू का मेन फंक्शन क्या होता है कि ये लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। लॉजिकल मीन्स होते हैं जिसके अंदर लॉजिक होता है, जैसे कंपैरिजन होता है, दो वैल्यूज़ के बीच में कंपैरिजन करना। कंपैरिजन इन द सेंस कि कौन सी वैल्यू जो है बड़ी है और कौन सी वैल्यू छोटी है, दैट इज़ कॉल्ड द लॉजिकल ऑपरेशंस। तो सीपीयू के अंदर मेनली दो ही काम होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द अर्थमेटिक कैलकुलेशन, एंड अनदर काम क्या होता है, लॉजिकल ऑपरेशन। सीपीयू जो है हमारा आगे फर्दर जो है तीन जो है सब यूनिट्स में बंटा हुआ है। जैसे कि मैंने पहले आपको ब्लॉक डायग्राम में बताया था, सीपीयू के अंदर तीन यूनिट्स होती हैं। वो कौन सी सब यूनिट्स होती हैं, ALU अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट होती है, दूसरी कंट्रोल यूनिट होती है, तीसरी जो है मेन मेमोरी यूनिट होती है सीपीयू के अंदर। तो चलिए अभी इन्हीं तीन यूनिट्स को हम जो है एक बार ब्रॉडली समझ लेते हैं कि अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, कंट्रोल यूनिट और मेन मेमोरी यूनिट जो है क्या क्या होती हैं और इसके क्या क्या फंक्शन होते हैं। तो चलिए इसको हम एक बार ब्रॉडली समझते हैं। तो सबसे पहले आता है अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जिसको बोलते हैं हम ALU। ALU जैसे कि इसका नाम है, ये सारे अर्थमेटिक कैलकुलेशंस जो है यहीं पे होती है, और लॉजिकल डिसीजन जो होते हैं सीपीयू के अंदर लिए जाते हैं, वो भी ALU यूनिट के अंदर ही होते हैं। तो इसमें क्या होता है, इट कैन टेक इन डाटा, परफॉर्म द अर्थमेटिक ऑपरेशन लाइक एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन ऑन द डाटा। इट मीन्स टू से कि जो भी कंप्यूटर्स के अंदर इनपुट डाटा आता है, वो कौन एक्सेप्ट करता है, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट वो है एक्सेप्ट करती है।
उस डाटे को एज पर रिक्वायरमेंट अगर ऐड करना है तो ऐड करता है, सब्ट्रैक्ट करता है, डिवीजन करता है या मल्टीप्लिकेशन करता है, कौन, वो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट ही करता है उस डाटा को, और फिर उस डाटे को जो है सेंड कर देता है रिजल्ट्स को, रिजल्ट्स को सेंड कर देता है। इट आल्सो मेक द लॉजिकल डिसीजन। तो अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, जैसे इसने पहले अर्थमेटिक ऑपरेशन किया उसके बाद ये जो है लॉजिकल डिसीजन भी लेता है, जैसे उस वैल्यूज़ को कंपेयर करता है, दो वैल्यूज़ को कंपेयर करता है और फाइंड आउट करता है कि विच वन इज़ ग्रेटर या विच वन इज़ अ स्मॉलर वैल्यू। तो इस प्रकार जो अर्थमेटिकल ऑपरेशंस होते हैं एंड लॉजिकल ऑपरेशंस होते हैं, ये दोनों ऑपरेट कहाँ पे होते हैं, अर्थमेटिक एंड लॉजिक यूनिट में ये दोनों ऑपरेशंस जो है होते हैं। और अगला जो है ब्लॉक होता है दैट इज़ कॉल्ड द कंट्रोल यूनिट। तो सीपीयू का नेक्स्ट ब्लॉक जो है दैट इज़ कंट्रोल यूनिट। तो कंट्रोल यूनिट दोस्तों, द कंट्रोल यूनिट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर डायरेक्टिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज़ ऑफ द वेरियस यूनिट ऑफ कंप्यूटर। तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट यूनिट जो होती है वो होती है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट की जिम्मेवारी क्या होती है, ये डायरेक्ट करती है प्लस कोऑर्डिनेट करती है जो अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती है कंप्यूटर्स के अंदर, जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको ये कोऑर्डिनेट करती है और उसको डायरेक्ट करती है। मीन्स टू से कि जो फंक्शन जिसका है उसकी तरफ उसको डायरेक्ट करती है। इट डज नॉट एग्जीक्यूट द इंस्ट्रक्शंस इटसेल्फ। ये कंट्रोल यूनिट जो है ये खुद इंस्ट्रक्शंस को जो है एग्जीक्यूट नहीं करती। इंस्टेड इट टेल द अदर पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम व्हाट टू डू। कहने का मतलब है कि ये जो कंट्रोल यूनिट है ये खुद पूरी जो भी इंस्ट्रक्शंस होती हैं उसको एग्जीक्यूट नहीं करता है और ये दूसरे पार्ट्स को जो है पास ऑन करता है कि उस काम को किया जाए। इट बेसिकली फेच द इंस्ट्रक्शंस। ये बेसिकली करता क्या है, ये इंस्ट्रक्शंस एक्सेप्ट करता है फ्रॉम द मेन मेमोरी, मेन मेमोरी से इंस्ट्रक्शंस लेता है, इंटरप्रेट देम्स, उनको इंटरप्रेट करता है, मीन्स टू से उनको जो है समझता है, इंटरप्रेट करता है एंड कोऑर्डिनेट द फ्लो ऑफ डाटा इन द कंप्यूटर सिस्टम। और कंप्यूटर के अलग अलग सिस्टम्स के अंदर डाटा जो होता है उसको कोऑर्डिनेट करता है। तो कंट्रोल यूनिट का मेन फंक्शन यही होता है कि ये कंट्रोल यूनिट जो भी इंस्ट्रक्शंस को लेता है और उनको जो है कोऑर्डिनेट करवाता है, मेमोरी से लेता है, उस डाटे को जो है इंटरप्रेट करता है, उसके बाद कोऑर्डिनेट करवाता है अदर सिस्टम्स के साथ, कंप्यूटर के जो अदर पार्ट्स होते हैं उनके साथ कोऑर्डिनेट करवाता है और उस इंस्ट्रक्शंस को एग्जीक्यूट करवाता है, ना कि खुद करता है। तो कंट्रोल यूनिट का मेनली फंक्शन जो होता है कंट्रोलिंग ही होता है, कोऑर्डिनेशन करवाता है, रीडायरेक्ट करता है कौन सा डाटा किस तरफ जाना है और एग्जीक्यूट करवाता है, ना कि ये एग्जीक्यूट खुद करता है। तो उसके बाद हमारा नेक्स्ट आ जाता है सब यूनिट जो है सीपीयू का, वो है मेन मेमोरी यूनिट। मेन मेमोरी यूनिट जो होती है ये एक ऐसा एरिया होता है यहाँ पे पूरा डाटा, प्रोग्राम और फाइनल रिजल्ट जो है वो स्टोर होते हैं। सीपीयू के अंदर ये मेन मेमोरी होती है जिसके अंदर डाटा, प्रोग्राम एंड फाइनल रिजल्ट्स जो है स्टोर होते हैं। द मेन मेमोरी यूनिट इज आल्सो कॉल्ड एज द प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी, जिसको हम रोम बोलते हैं। ये प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी भी कहलाता है, जैसे जो रोम होती है रीड ओनली मेमोरी होती है उसको भी हम मेन मेमोरी कहते हैं। एंड रेंडम एक्सेस मेमोरी, जो प्राइमरी स्टोरेज मेमोरीज हमारी दो तरह की होती हैं, दैट इज़ नोन एज रोम एंड रैम, इन दोनों को हम जो है मेन मेमोरी बोलते हैं। तो सीपीयू के अंदर जो मेन मेमोरी होती है इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द सीपीयू। उसके बाद नेक्स्ट ब्लॉक हमारे आ जाते हैं, वो होते हैं इनपुट ब्लॉक्स और आउटपुट ब्लॉक्स होते हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइसेस एंड आउटपुट डिवाइसेस। तो कंप्यूटर के अंदर जो इनपुट डिवाइसेस होती हैं ये कौन सी डिवाइसेस होती हैं, ये वो डिवाइसेस होती हैं जो कि कंप्यूटर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाती हैं, इनपुट देती हैं कंप्यूटर को, सच एज टाइपिंग करेक्टर्स, अल्फ़ाबेट्स थ्रू कीबोर्ड, कीबोर्ड के थ्रू जो भी लेटर्स टाइप किए जाते हैं, अल्फाबेटिक्स इंस्ट्रक्शंस कंप्यूटर को दी जाती हैं तो कीबोर्ड के थ्रू दी जाती हैं, दैट इज़ कॉल्ड द इनपुट डिवाइस। और गिविंग इंस्ट्रक्शन टू ए कंप्यूटर थ्रू माउस, और माउस के थ्रू भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं टू परफॉर्म ए टास्क, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एन इनपुट डिवाइस। सम एग्जाम्पल्स ऑफ द इनपुट डिवाइसेस आर माउस, कीबोर्ड, स्कैनर, माइक्रोफोन एंड वेबकैम।
तो ये सारी होती हैं इनपुट डिवाइसेस। उसके बाद आती है हमारी आउटपुट डिवाइसेस। ओके, आउटपुट डिवाइसेस में क्या होता है? आउटपुट डिवाइसेस में जो रिजल्ट जनरेट किए जाते हैं सीपीयू के द्वारा, वो फॉरवर्ड कर दिए जाते हैं आउटपुट डिवाइसेस को। दीज डिवाइसेस प्रोवाइड द रिजल्ट इन फॉर्म ऑफ विजुअल, हार्ड कॉपी या ऑडिबल फॉर्म्स। मीन्स टू से कि ये जो रिजल्ट्स होते हैं, ये आपके विजुअल मतलब आप स्क्रीन पे देखने वाले रिजल्ट भी हो सकते हैं, हार्ड कॉपी इन द फॉर्म ऑफ प्रिंट आउट हो सकते हैं, या ऑडिबल इन द फॉर्म ऑफ म्यूजिक या ऑडियो भी हो सकता है। तो कॉमन आउटपुट डिवाइसेस कौन सी होती हैं कंप्यूटर के अंदर? दैट डिवाइसेस आर मॉनिटर होता है, जैसे प्रिंटर होते हैं, स्पीकर होता है, दीज आर द कॉमन आउटपुट डिवाइसेस। तो इस प्रकार दोस्तों आपने देखा कि जो मेनली कंप्यूटर का मेन ब्लॉक डायग्राम होता है, जो कि पूरे कंप्यूटर को डिस्क्राइब करता है, वो क्या होता है, उसके अंदर कौन कौन से जो है सब पार्ट्स होते हैं और कौन कौन सी डिवाइसेस उसके अंदर लगी होती हैं। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा, और जितना हमने आपको ये ट्यूटोरियल में बताया है तो आपको बहुत ही सिंपल तरीके से कंप्यूटर के बारे में पता लगा होगा, और ब्लॉक वाइज आपको कंप्यूटर्स और उसकी यूनिट्स समझ भी आई होंगी। तो दोस्तों अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो कंप्यूटर गुरुजी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, सो दैट जब भी हम वीडियो कोई भी अपलोड करते हैं तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल सके और आपकी जानकारी जो है बढ़ सके। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग कंप्यूटर गुरुजी चैनल। हैव ए गुड डे।